सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता नित्यानंद अभिर्न कलेवर नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनऊँची। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई भौणी समस्त को मुझे यथाजोग्य प्रणाम जनाऊँ। आज आम मैने श्रवण करवा श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये तिलक विषय कौन कही एवं यही तिलकर कौन महिमा महाप्रभु जो समय जन टीचर थे पिला मानक संस्कृत पढ़ाते से समय कि भक्त तिलक न करते से मुकुंद संजय आदि भक्त माने महाप्रभु तांकर तिलक देखिकी कहले आज कौन तुम मैंने संध्या वंदना करना कहीं तिलक छड़ा संध्या वंदना आदि बा समस्त मंत्र जप समस्त निष्फल हो जाए। तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते तिलक ना था के जदि विप्रेर कपाले से कपाल श्मशान स दृश वेद बोले। अर्थ हो जो ब्राह्मण कर ललाट रे जो व्यक्ति कर ललाट रे तिलक न थाए से ललाटी की भाई सेटा होची श्मशान सदृश समस्त वेद कहते। तेणु महाप्रभु कहे घर को जाओ प्रथम तिलक करी एवं निजर गुरु मंत्र जप करी तबे आसीबे नथवा मो क्लास रे तुम्हारे कौन सी अधिकार ना। महाप्रभु शिक्षा दौंती यदि कई तिलक धारण न करती से माने भगवान कर टोली रे तांकर संग प्राप्त से माने करी पारिबे नाही। तेणु शास्त्र कहुचि बोले यज्ञ दानम तपम होम शोधाय पितृतर्पणाम व्यर्थम भवति तत्सर्वम ऊर्ध्वपुंड्रम विना कृतम। अर्थ कौन बिना ऊर्ध्वपुंड्र ऊर्ध्वपुंड्र अर्थ होचि नियम होचि तिलक लक्षण ऊर्ध्वपुंड्र ऊर्ध्व माने होचि ऊपर ऊपर को जे आम को भगवान को पाख को जे नहीं जीवे। तेणु तिलक नुह तिर्यक रूप से ये तिलकर नियम नुह आपण मैंने जगन्नाथ को देखी थे तिलक केमी हो ऊर्ध्वपुंड्र भगवान राम कर तिलक देखी थे से तिलक हो ऊर्ध्वपुंड्र भगवान नारायण के तिलक देखा ऊर्ध्वपुंड्र एवं श्री हनुमान कर तिलक देखिए गणेश तिलक देखिए समस्त तिलक हो ऊर्ध्वपुंड्र बंका तिलक नुह। तेणु शास्त्र कह यदि कई ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण न करी यदि कई यज्ञ करती यज्ञ फल प्राप्त होबनी यदि कई दान करती से दानर फल प्राप्त होबनी यदि कई तपस्या करती से तपस्यार फल प्राप्त होबनी यदि कई होम करती तार फल प्राप्त होबनी यदि कई स्वाध्याय करती पितृतर्पण करती समस्त भवती तत् फलम मूर्ध्वपुंड्र बिना कृतम व्यर्थ भवती समस्त किसी व्यर्थ हो जीव। तेणु नियम होची बोले श्मशान सदृशम भवेत यदि कौन से व्यक्ति ललाट तिलक न थाए से तिलक कहता श्मशान सदृश एवं ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्तु किंचित कर्म करोति ज इष्टपूर्ताधिक सर्वम निष्फलम स्यात् न संशय। अर्थ होचि उद्र ऊर्ध्वपुंड्र तिलक छड़ा यदि कहीं इष्ट पूर्जाधिक सर्वम पूजा सेवा जहाँ किछ करती से समस्त कौन हो जाए सेठा व्यर्थ हो जाए। तेणु नियम होची
तिलक धारण करिवा तेणु विभिन्न पुराण रे मध्य से विषय बहुत किछि कुआ जायछि बोल जे कृष्ण शस्त्रांक कवचम दुर्भेद्यम देवदानवै अदृशम सर्वभूतानां पितृणाम राक्षसानापि अर्थ कण कहते ए जे तिलक आमे धारण करुचु आम द्वादश अंगरे कहते ललाटे केशवम नम उदरे नारायण बक्षे माधव कंठे गोविंद दक्षिण पार्श्वे विष्णव दक्षिण बाहुरे मधुसूदन दक्षिण स्कंधे त्रिविक्रम बाम पार्श्वे बामन बाम बाहुते श्रीधर बाम स्कंधे हृषिकेश पृष्ठे पद्मनाभ कटीरे दामोदर मस्तकरे वासुदेव तेणु कहते ये तिलक नुह एटा हूँ रक्षा कवच आपण माने भागवत श्रवण करथिबे जो समय रे पुतना महाप्रभु को मारिया पई आसीथिले जेतेले महाप्रभु पुतना को मारिले माँ जशोदा निजे द्वादश मंत्र पढ़िकरी कृष्ण को तिलक लगाउथिले मुअर पर ललाट को श्री केशवदेव रक्षा करूँ उदर नारायण को रक्षा करूँ बक्षे माधव कंठे गोविंद रक्षा करूँ निजे जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण ये तिलक लगाउछंती तेणु भगवान को मध्य तिलक भगवान को मध्य रक्षा करे तेणु गोस्वामी तुलसीदास कहते राम ना सकाई नाम गुण गाई भगवान राम मध्य सीए निजर नामर महिमा भगवान निजे मध्य नामर महिमा को कहवाक से समर्थ हूँ तेणु कह तिलकटी कौन खेड़ा हूँ कवच भली काम करुच्छे दुर्भेद्य कवच जे भली भाव कर्ण शरीर कवच थिला जे पर्यंत कवच रहा जगत रे कहीं मारी पारे से भली भाव यदि कई तिलक धारण करती महाप्रभु स्वयं निजे कवच भली तांकु सब समय रे रक्षा करती बोले देवदान बई देवता दानव मान किसी करी पारती नहीं बोले सर्वभूतानां शत्रुणां राक्षसमपि यदि कई शत्रु हूँ राक्षस मान हूँ से मध्य यदि कई तिलक धारण करती किसी सीए खराब कर तिलकर एत महिमा बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्यम तस्य बस्यत देहे जस्य शंका कृत तनु अर्थ हूँ जो माने ए तिलक धारण करती तांका शरीर को माने तांका शरीर बसंती बोले लक्ष्मी बसंती सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा तस्य देहे नित्यम तांका शरीर रे से माने नित्य तांका शरीर रे बसवास करती बोले गंगा गया कुरुक्षेत्रम प्रयागम पुष्करादिच नित्य तस्य सदा तिष्ठेत जस्य पद्मा कृतम बपु जो मैंने शरीर रे यही तिलक धारण करती शरीर रे बोले गंगा गया कुरुक्षेत्र प्रयाग पुष्कर शरीर नित्य शरीर रे निवास करती ये तिलक कर एते महिमा यही तिलक कर वो अन्य शास्त्र रे मध्य कहते बले शंख च पद्म च गदाम रथांगम मत्स्य कुर्मम रचितम स्वदेहे करोति नित्यम सुकृतस्य वृद्धि पापखयम जन्म सतार्जितस्य अर्थगण जो माने ए शरीर रे गदा पद्म शंख चक्र आदि तिलक रूप रे धारण करती कर हुए बले करोति नित्यम सुकृतस्य वृद्धि तांकर जे सुकृति तांकर जे पुण्य सेटा।